अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम सी लैंग्वेज का प्रोग्राम करने जा रहे हैं। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले फैक्टोरियल नंबर्स फ्रॉम 1 to 7। ये 1 से लेके 7 तक नंबर्स, तमाम नंबर्स का, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तमाम नंबर्स का फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। और हिंट उन्होंने क्या दिया हुआ है, यूज नेस्टेड लूप। यानी हमने फैक्टोरियल और भी बहुत से तरीक़ों से जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है, लेकिन उन्होंने क्या कहा है कि हमने नेस्टेड लूप के ज़रिए से जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, कोड ब्लॉक ओपन करते हैं और वहाँ इसका प्रोग्राम लिख। ये आ गए हम कोड ब्लॉक में और हमने जो मेन स्ट्रक्चर लिख लिया, इसमें मैंने 3 वेरिएबल्स डिफाइन किए इंटीजर टाइप के, आई, जे और फैक्ट। आई और डी और जे पे जो है वो नेस्टेड लूप चलेगी, यानी आई पे आउटर लूप और जे पे जो है वो इनर लूप चलेगी। और फैक्ट हमने वेरिएबल लिया जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, इसको जो है वो लूप चलाते हैं, पहली जो है वो आई पे चलाते हैं, वो हमने यहाँ लिख लीजिए, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 और आई इज़ लेस इक्वल टू हो 7 के, यानी 7 उसने कहा था ना, 1 से लेके 7 तक तमाम नंबर्स का जो है वो फैक्टोरियल लेना है। तो ये आउटर लूप जो है उसकी 7 को जो है वो कैलकुलेट करेगी और उसका जो है वो देखेगी कि 7 कब तक पूरा हो। उसके बाद लूप लगाएंगे जी जे के ऊपर, जिसके अंदर फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, राइट। ये हमने जे के ऊपर लूप लगाई और जे की हमने कंडीशन क्या लगाई कि जब तक वो आई से लेस इक्वल रहे, 1 से ही जे स्टार्ट होगा और आई से जो है वो लेस इक्वल रहेगा, जे से मल्टीप्लाई करके फैक्ट के वेरिएबल के अंदर जो है वो फैक्टोरियल कैलकुलेट होता रहेगा हर नंबर का। यानी आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप 1 से 1 तक चलेगी और उसका ऑब्वियसली जब मल्टीप्लीकेशन होगी तो आंसर 1 आएगा। फिर क्या होगा, ये 1 टाइम चल के ये लूप ख़त्म हो जाएगी क्योंकि कंडीशन जो है वो हमारी लेस इक्वल टू आई है। तो जब तक आई की वैल्यू तक नहीं पहुंच जाता ये 1 से स्टार्ट करके, तब तक ये लूप चलती रहेगी। अब क्या होगा, ये इनर लूप एंड होगी तो आउटर लूप से जो है वो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी, फिर आई की वैल्यू 2 के लिए जे की लूप चलेगी, 1 से स्टार्ट होगी और फिर 2 तक चलेगी। क्यों, इसलिए कि आई की वैल्यू जो है वो 2 होगी। इसी तरह से फिर 2 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, फिर आई की वैल्यू 3 लेके आएगा, 3 के लिए फिर जे की लूप जो है वो 3 टाइम चलेगी और फिर फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा, सो ऑन। और फिर जब लास्ट वैल्यू होगी आई की वैल्यू 7 के लिए, जे की लूप चलेगी 7 टाइम और 7 का फैक्टोरियल कैलकुलेट हो जाएगा। जब तमाम चीज़ों का फैक्टोरियल कैलकुलेट होता जाएगा तो उसके बाद यहाँ आउटर लूप के अंदर इसको प्रिंट एफ करा देंगे, यानी एक चीज़ का, एक नंबर का फैक्टोरियल कैलकुलेट होगा, जे से बाहर निकलेगा कंट्रोल और फिर ये फैक्टोरियल कैलकुलेट हुआ होगा वो प्रिंट हो जाएगा और फिर अगेन जो है वो फैक्ट को 1 मिल जाएगा और फिर जो है वो नेक्स्ट वैल्यू के लिए ये वैल्यू जो है वो स्टार्ट होती जाएगी। इसको हमारी ये ब्रैकेट रहती है, क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है जी, आउटर लूप की ये हमने क्लोज कर दी। अब हम इसको करते हैं बिल्ड और रन और हम इसकी आउटपुट देखते हैं। और ये आ गई हमारी आउटपुट विंडो, ये देखें जी, फैक्टोरियल ऑफ 1 इज 1, फैक्टोरियल ऑफ 2 इज 2, फैक्टोरियल ऑफ 3 इज 6, 4 का फैक्टोरियल 24 है, 5 का जो है वो 120 है, 6 का 720 और 7 का 5040। और बेसिकली जो फैक्टोरियल का जो एक कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है कि जिस नंबर का आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना होता है उसको 1 तक जो है वो आपस में उन नंबर्स को जो है वो मल्टीप्लाई करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 3 का फैक्टोरियल है तो 3 को हम बैक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 4 का फैक्टोरियल है तो 4 × 3 और फिर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। इस तरह से फैक्टोरियल इन तमाम नंबर्स का कैलकुलेट होता जाएगा 1 से लेके 7 तक। हमारा प्रोग्राम उम्मीद है पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको किसी और प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम है, किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही सी लैंग्वेज में, तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट में, हम आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।